बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो टॉपिक क्या है? इंडस्ट्री। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, इंडस्ट्री, लेकिन आज आप हमसे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं हम लोग? जिसका संबंध प्रोडक्शन से है, डिस्ट्रीब्यूशन से है, और उद्देश्य लाभ कमाना होता है, पैसे कमाना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इंक्लूड है, जिसमें शामिल है एक्सट्रैक्शन, मतलब जमीन के अंदर से खोद करके निकालना है, पानी से लेना है, हवा से लेना है, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, कन्वर्जन होगा, प्रोसेसिंग होगा। तो ये सारे चीज का जो संबंध है वो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जो वस्तुओं का उत्पादन करता हो, वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोद करके बाहर निकालता हो, वस्तुओं का प्रोसेसिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जिसका संबंध इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीनिंग दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका संबंध वस्तुओं के एक्सट्रैक्शन से हो, प्रोडक्शन से हो, कन्वर्जन से हो, प्रोसेसिंग से हो या फैब्रिकेशन से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ऐसे इंडस्ट्रीज उसकी सारी एक्टिविटी कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें से ये एक है। इस इंडस्ट्री में वैसे सारे एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन जमीन के अंदर से हो, पानी से हो, हवा से हो, प्राप्त किया जाता है। इतना ही नहीं, जो भी नेचुरल हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त होता है, नेचुरल जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड हो, वैसे वस्तुओं का हम प्राइमरी इंडस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ, वो सारी एक्टिविटी जिसका संबंध एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब समझ गए, जमीन के अंदर से खोद के निकालना है, पानी से निकालना है, हवा से लेना है, प्रोड्यूसिंग नए उत्पाद का, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का यहाँ पर मतलब है
कि जो हमारे एनिमल हैं वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, फिर बच्चे को जन्म देते हैं, या एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट होते हैं, उसी का यहाँ पर मतलब है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। वो सारे एक्टिविटी जिसका संबंध एक्सट्रैक्शन से हो, प्रोड्यूसिंग से हो, नेचुरल प्रोसेस से हो, तो वैसे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को डिटेल में जानने के लिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ए टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, एक टाइप है, दैट एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज अर्थ, सी एंड एयर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री दैट एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या ड्रॉ आउट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। कहाँ कहाँ से? अर्थ से, सी से और एयर से। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऐसे इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का एक ऐसा टाइप जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है, ड्रॉ आउट होता है, किससे? अर्थ से, सी से और एयर से। तो जिस एक्टिविटी के द्वारा, जिस इंडस्ट्री के द्वारा एक्सट्रैक्टिव का काम होता है अर्थ से, सी से और एयर से, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट्स ऑफ सच इंडस्ट्री आर जनरली यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो भी प्रोडक्ट हमको मिलता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ हो, सी हो या एयर हो, इसका इस्तेमाल हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में करते हैं फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो भी गुड्स हम रिसीव करते हैं, उसका इस्तेमाल, उसका यूज हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। एग्जांपल माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग एटसेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री का जो दूसरा है, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट और एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल। दोज प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल, नए प्लांट को जन्म देना, नए एक जानवर से नए जानवर का जन्म होना। जेनेटिक इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि ये भी एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। और प्राइमरी इंडस्ट्री में हम नेचुरल की बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल होता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ होता है।
तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने दो पार्ट में बांटा, एक आपका एक्सट्रैक्टिव हो गया जो जमीन के अंदर से, समुद्र से, हवा से, और दूसरा क्या है, यहाँ पर ब्रीडिंग की बात होती है, एक प्लांट से नए प्लांट का जन्म होना, एक एनिमल से नए एनिमल का जन्म होना। तो ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पर क्या होता है, इंगेज्ड इन और कंसर्न विथ ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट होते हैं, एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल होते हैं, और इस इंडस्ट्री में जहां पर हम प्लांट का, एनिमल का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वैसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ब्रीडिंग प्लांट है ना, प्लांट बना करके हम बेचते हैं, नर्सरी बना करके प्लांट को हम बेचते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी का फार्म, डेयरी फार्मिंग, एनिमल के द्वारा क्या करते हैं, मिल्क एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो डेयरी, मिल्क डेयरी, पोल्ट्री फार्म, ये सब क्या है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से एक प्रोसेसिंग के द्वारा हम लोग एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के मदद से हम लोग एक क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में ये काम होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को लेकर के जब हम एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग मटेरियल व्हिच हैव बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज, वैसे गुड्स का हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं जो ऑलरेडी हमको कहाँ मिला है, प्राइमरी स्टेज में है, प्राइमरी इंडस्ट्री में मिला है, इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या करते हैं हम लोग, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हमको प्रोडक्ट मिला है उसको एक प्रोसेस के द्वारा हम एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में ये काम होता है उस इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, आयरन ओर से, आयरन ओर क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और उससे हम लोग एक प्रोसेसिंग के द्वारा उसको क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो ओर, आयरन ओर से स्टील बनाना, ये किस इंडस्ट्री में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। नाउ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ये दो तरह का है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल की मदद से एक नए प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एटसेट्रा। ए टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री दैट इंगेज इन द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा इंडस्ट्री
जो किस में व्यस्त रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, मतलब एक चीज को किसी दूसरे प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इंगेज रहता है, ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश प्रोडक्ट में। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक ऐसा इंडस्ट्री जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, एक ऐसा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ए टाइप ऑफ सेकेंड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक टाइप है, दैट आर कंसर्न विथ द मेकिंग और कंस्ट्रक्शन, जो बनाने का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, डैम हो, रोड हो या कैनल, तो वैसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक ऐसा इंडस्ट्री जो जिसका संबंध या इंगेज हम कह सकते हैं किसमें हो, मेकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो, डैम हो, कैनल हो, फ्लाईओवर हो, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दे यूज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द मेकिंग, दे यूज प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स गुड्स, दे यूज द प्राइमरी सेक्टर्स गुड्स। नंबर थर्ड, टेरियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। एक ऐसा इंडस्ट्री जो प्राइमरी सेक्टर को, जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करता है। एक ऐसा इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं या टेरियरी इंडस्ट्री कहते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी दैट कंसर्न विथ सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसकी मदद से पूरे देश में, किसी इकोनॉमी में गुड्स का और सर्विसेज का फ्लो आसानी से हो। एक ऐसा इंडस्ट्री जिसकी मदद से पूरे देश में, पूरे इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो आसानी से हो, तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं टेरियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। इट सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये जो हमारा टेरियरी इंडस्ट्री है, ये सपोर्ट करता है प्राइमरी इंडस्ट्री को भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ टेरियरी इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।